नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं राम मंदिर को लेकर। अयोध्या में राम मंदिर के लिए एक और बलिदान चाहिए, ये कहना है बिना कटियार का। अयोध्या देखिए, उनका कहना है, अयोध्या हिंदी नववर्ष की पूर्व संध्या पर श्रीराम कोटी की परिक्रमा करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया। विनय कटियार ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर चाहिए, राम मंदिर के लिए एक और बलिदान चाहिए होगा। विनय कटियार यह बयान ऐसे समय में आया जब मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, साथ ही केंद्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। विनय कटियार ने मंच से साधु संतों के साथ हुई बातचीत की अहम बातें भी बताई। विनय कटियार ने ऐसे समय में बयान दिया है जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। क्या विनय कटियार का ये मामला बीजेपी को परेशानी में डाल सकता है? क्या विनय कटियार का ये मामला बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है? आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी राम मंदिर को लेकर बयान दिया था। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं उन्होंने राम मंदिर को लेकर क्या बात कही। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राम जन्मभूमि जमीन के मालिकाना हक के मामले में पीएम से दखल देने की अपील की। उन्होंने इस संबंध में पीएम को चिट्ठी लेकर अध्यादेश लाने की अपील की। इसके साथ ही सम्मानित धार्मिक नेताओं के एक समूह को जमीन सौंपने की मांग की, जो आगम शास्त्र में प्रांगत हो। उन्होंने कहा कि जमीन के मौजूदा पक्षकारों को मुआवजा देकर इस समस्या के समाधान पर बल देने की जरूरत है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए स्वामी ने कहा कि उस पार्टी से जुड़े कुछ वकील इस विषय को लटकाए रखना चाहते हैं। कांग्रेस द्वारा पैदा किए जा रहे अड़चनों को दूर करने के लिए संविधान और कानून को हथियार बनाने की जरूरत है। इस विवाद को जानबूझकर कानूनी झमेलों में फंसाया जा रहा है। विपक्षी दलों को बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं को सम्मान करना चाहिए। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च को बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने तीसरे पक्षों की सभी हस्तक्षेप अर्जियां खारिज कर दी। कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में सिर्फ मूल पक्षकारों को ही सुनने और असंबद्ध व्यक्तियों के इसमें हस्तक्षेप करने के अनुरोध को अस्वीकार करने का आग्रह स्वीकार किया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीब के 3 सदस्यीय विशेष खंडपीठ ने इस दलील को स्वीकार कर लिया कि भूमि विवाद के सभी मूल पक्षकारों को ही बहस करने की अनुमति दी जानी चाहिए और इस प्रकरण से असंबद्ध व्यक्तियों के हस्तक्षेप करने के लिए दायर सारी अर्जियां स्वीकार की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की भी इस विवाद में हस्तक्षेप के लिए दायर अर्जी स्वीकार कर दी। हालांकि कोर्ट ने अयोध्या में विवादित स्थल पर बने राम मंदिर में पूजा करने के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए स्वामी की याचिका को बहाल करने का आदेश दिया। स्वामी की इस याचिका का पहले निपटारा कर दिया गया था। स्वामी ने कहा, मैंने एक याचिका यह कहते हुए दायर की थी कि पूजा करना मेरा मौलिक अधिकार है और यह संपत्ति के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि राम मंदिर का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट इस मसले पर सुनवाई कर रही है। ये मामला काफ़ी समय पहले का है और जिस तरह से इसमें ढिलाई बरती जा रही है, ये बहुत ही अपने आप में अहम बात है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। तो देखा आपने कि राम मंदिर को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या बात कही थी। रिपोर्ट्स की तरफ मैं रुख कर लेता हूं। विनय कटियार ने कहा कि मुलायम सिंह की सरकार में अयोध्या रक्त रंजित हुई थी। मुलायम ने स्वीकार भी किया, अब हम सबको एक और बलिदान की तैयारी करनी होगी। बीजेपी नेता ने कहा कि अयोध्या का जमीन विवाद सुप्रीम कोर्ट में है, इस पर क्या फैसला आएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतने लोगों का बलिदान हुआ है वही निर्णय है। हम मथुरा और काशी की बात नहीं कर रहे हैं। मुगलों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ करके हमें अपमानित करने का काम किया है। हमें संकल्प लेना होगा, जब तक मंदिर निर्माण नहीं हो जाता तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये कहना है विनय कटियार का, इस तरह की उन्होंने अपनी बात कही। और आपको मैं अगली इस खास रिपोर्ट में दिखाता हूँ कि विनय कटियार ने राम मंदिर को लेकर और क्या बात कही। विनय कटियार ने अयोध्या मसले में सुलह की पहल करने वालों पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों का अयोध्या मसले से लेना देना नहीं है, वह भी अब फार्मूला लेकर आ रहे हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि के आसपास किसी भी तरह की मस्जिद स्वीकार नहीं है।
मुझे उम्मीद है कि 2019-20 में राम का भव्य मंदिर निर्माण शुरू होगा। जी हाँ, ये कहना था विनय कटियार का। उन्होंने कहा, पत्थर तराशे जा चुके हैं, पहली मंजिल के लिए पत्थर हैं। जिस दिन कोर्ट का फैसला आएगा, राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में हस्तक्षेप की अनुमति के लिए दायर सभी अंतरिम आवेदन स्वीकार कर दिए। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की 3 सदस्यीय विशेष खंडपीठ ने इस दलील को स्वीकार कर लिया कि भूमि विवाद के सभी मूल पक्षकारों को ही बहस करने की अनुमति दी जानी चाहिए और इस प्रकरण से असंबद्ध व्यक्तियों के हस्तक्षेप करने के लिए दायर सारी अर्जियां अस्वीकार की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की भी इस विवाद में हस्तक्षेप के लिए दायर अर्जी स्वीकार कर दी। हालांकि न्यायालय ने अयोध्या में विवादित स्थल पर बने राम मंदिर में पूजा करने के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए स्वामी की याचिका को बहाल करने का आदेश दिया। स्वामी की इस याचिका का पहले निपटारा कर दिया गया था। स्वामी ने कहा, मैंने एक याचिका ये कहते हुए दायर की थी कि पूजा करना मेरा मौलिक अधिकार है और यह संपत्ति के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है। विशेष खंडपीठ के बहस इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ 14 अप्रैल विचारार्थ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने 2010 में बहुमत के फैसले में इस विवादित भूमि को रामलला निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया था। तो देखा आपने कि विनय कटियार ने राम मंदिर को लेकर और क्या बोला, लेकिन आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी समय से ये मामला चल रहा है और जैसा कि विनय कटियार ने ये बात कही है और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना था कि एक लिखित उन्होंने दिया था और कहा था कि अध्यादेश होना चाहिए, मालिका ने हक की बात उन्होंने कही थी। लेकिन अयोध्या मामला जिस तरह से लंबा चल रहा है और जिस तरह से अभी तक खींचता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में देखिए सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर बात चल रही है और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने बीजेपी ने कहा था कि राम मंदिर का निर्माण उनकी सरकार में हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और ऐसे में देखिए सरकार को कदम उठाना चाहिए कि दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत करनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि दोनों समुदाय के लोगों जो आपस में बात करके कोई बड़ा फैसला निकालें, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा टलता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। श्री श्री रविशंकर की बात करता हूँ तो उन्होंने राम मंदिर को लेकर अपनी बात भी रखी थी और बाकायदा बैठक भी हुई थी उनकी। तो जिस तरह से राम मंदिर और अयोध्या का जो मामला चल रहा है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में खिस्ता हुआ नज़र आ रहा है, लंबा काफ़ी समय से ये मामला चल रहा है। तो ऐसे में देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है, लेकिन सरकार को भी विचार विमर्श करके और हल इसका निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और जिस तरह से अगर मैं बात करूँ राम मंदिर को लेकर, तो राम मंदिर का मामला इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है, क्योंकि इसका मामला दोबारा शुरू हो चुका है, सुनवाई हुई है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और बताया गया कि अगली सुनवाई भी जल्दी होगी। तो ऐसे में देखिए इस मसले पर जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए, जल्द से जल्द इसका विचार विमर्श करना चाहिए। चलिए अगर लोकसभा चुनाव की तरफ चलते हैं, 2019 की तरफ बात करते हैं, तो 2019 में तो कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी जिस तरह की कोशिश कर रही है चुनाव जीतने को लेकर, वो कोशिश कहीं ना कहीं अपने आप में अलग तो है ही, लेकिन अगर विपक्ष की मैं बात करता हूँ तो विपक्ष भी पुरजोर कोशिश कर रही है। जी हाँ, राहुल गांधी की मैं बात करता हूँ, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया टीम का इस्तेमाल कर रहे हैं पार्टी को आगे ले जाने के लिए, पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको तरह तरह की सलाह दे रहे हैं, किस तरह से चुनाव जीतना है ये रणनीति बना रहे हैं। सोनिया गांधी की मैं बात कर लेता हूँ, सोनिया गांधी जब से उन्होंने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी राहुल गांधी को सौंपी थी उसके बाद से वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब बीते कुछ दिनों पहले से वो सुर्खियों में छा गई। जिस तरह से वो राहुल गांधी को सपोर्ट कर रही हैं, राहुल गांधी का समर्थन कर रही हैं, और जिस तरह की बात बता दूँ उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में बात भी कही थी, मोदी सरकार पर हमला बोला था, साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से बीजेपी का अब कह सकते हैं खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है, ये अपने आप में बहुत अलग बात है। उन्होंने राजस्थान का हवाला दिया, राजस्थान में उपचुनाव हुए वहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई, मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए वहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई, और जिस तरह से कांग्रेस की जीत हो रही है
ये अपने आप में दर्शाता है कि बीजेपी के लिए मुसीबत भरी बात है। और कहीं ना कहीं सोनिया गांधी की मैं बात कर लेता हूं, तो सोनिया गांधी ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चाहते हैं कि कांग्रेस को जड़ से ख़त्म कर दें, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि लोग अभी भी कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश के उपचुनाव का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस लोगों के दिलों में अभी भी कांग्रेस जिंदा है और लोग कांग्रेस को लाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर 2019 के चुनाव की तरफ हम बात कर ले रहे हैं तो अब की बार का मुकाबला कांटे भरा है, टक्कर भरा है और अब की बार फैसला बहुत तगड़ा हो सकता है। और कि अब की बार ये देखने वाली बात होगी कि जनता किसको अब की बार वोट ज़्यादा करती है और किसे जो है सत्ता में लाती है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।